गौरव गाथा कुंडलपुर की कैसे बनी होगी। तो जहां से बड़े बाबा का उदय हुआ, अर्थात वह व्यापारी, वह छत्रसाल, ये सब आदि वृतांत, उसके बाद पुराने मंदिर से नए मंदिर में कैसे विराजमान हुई, ये सब इस गौरव गाथा के अंतर्गत आप सभी लोग देखेंगे। एक हमारे इसमें सूत्रधार रहेंगे जो बीच बीच में आपको बताने भी आएंगे, और दो लव कुश की वेशभूषा में रहेंगे जो आपको पूरे समय गागा के बताएंगे। इस छोटी लघु नाटिका का नाम कुंडलपुर की गौरव गाथा है। कण कण बोले कुंडलपुर के दृश्य वो विस्मयकारी एक छोटी जी।
से 22 मील की दूरी पर पटेरा नामक एक छोटा सा गांव है। इसी पटेरा में एक छोटा सा जैन परिवार निवास करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे कि परिवार का जीवन चक्र चैन, सुख और शांति से चल सके। इसी मध्य प्रदेश में महाराजा छत्रसाल राज्य करते थे। उनका एक छत्र शासन था। महाराज छत्रसाल का राज्य दरबार लगा हुआ है। तभी द्वारपाल संदेश लेकर आता है। महाराजा छत्रसाल की जय हो। महाराजा छत्रसाल की जय हो। महाराज, दो बनवासी पुत्र जगह जगह भ्रमण करते हुए हमारी इस राजधानी में पधारे हुए हैं। वे भगवान की भक्ति से लोगों को भाव विभोर कर देते हैं। सभी को कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की कहानियां सुनाते हैं। मधुर कंठ से जब वे गाते हैं तो चलते राही ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। वो गीत के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं भी रखते हैं। जिज्ञासाएं? किस विषय से संबंधित जिज्ञासाएं हैं उनकी? महाराज, उनकी जिज्ञासाएं बड़े बाबा और उनके विशाल जिनालय से जुड़ी हुई हैं। सम्मान राज दरबार में लाओ। जो आज्ञा महाराज। भक्तों, कुंडलपुर के बड़े बाबा और उनके खोज की कथा, जिसके कारण बुंदेलखंड के गौरव में चार चांद लगे। इस तीर्थ पर भक्तों के आवागमन का कार्य प्रतिदिन जारी रहता है। सभी जाति और संप्रदाय के लोग भक्ति भाव से दर्शन करते हैं। बच्चों, महाराज छत्रसाल की राजसभा में आपकी स्वर लहरियां सुनाई दे रही हैं। राजसभा में? तो? वहां आपको चलना होगा। मगर क्यों? महाराज छत्रसाल बड़े उदार धर्म समर्पित राजा हैं। वे बड़े बाबा की कहानी जानना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। ये बालक कितनी अच्छी कथा सुनाते हैं। जी करता है सुनते ही रहूं। क्या सचमुच में बड़े बाबा इस तरह से प्रकट हुए हैं? केवल सुनने भर से मंत्रित नहीं होगा, हमें चल करके दर्शन करना चाहिए। हम सबको कुंडलपुर चलना चाहिए। उनके चरणों में भक्ति प्रार्थना आदि करनी चाहिए। मान्यता है कि वहाँ कोई भी मनोकामना अपूर्ण नहीं रहती। हाँ, अनेक विक्षिप्त यहाँ से पूर्ण स्वस्थ होकर गए, जिसके अनेक प्रमाण भी हैं। अब कुंडलपुर सांप्रदायिक सद्भाव और जातीय एकता का भी अनुपम केंद्र समझने में आने लगा है।
पर हमें अभी दुख तो यही है कि हम अभी तक उनके दर्शन नहीं कर पाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे तुम दोनों ही इतना मधुर गायन करते हो। महाराज आपने जो हमें यहाँ बुलाया है ये हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य क्यों? महाराज आप धर्मप्रिय राजा हैं, इसलिए मुझे आज इस राजसभा में बड़े बाबा का इतिहास सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इतनी प्यारी सी, इतनी सुंदर सी, इतनी विशाल बड़े बाबा की प्रतिमा कैसे प्राप्त हुई। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं? स्वागत है, सुनाओ। ओम ह्रीं श्री आदिश्वराय नमः।
हे भगवान, आर्थिक तंगी के कारण अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। परिवार के भरण पोषण के लिए छोटे मोटे व्यापार से ही काम चल जाएगा। जो हमारे पास थोड़ी सी पूंजी है उससे नमक गुड़ आदि खरीद कर पर्वत पर दूसरी तरफ बसे गांव में बेच दूंगा, जिससे अच्छा मुनाफा मिलेगा। सुनिए ना, मुझे ज्यादा पैसे का लोभ नहीं है। दिन भर की मेहनत से आप जो भी पैसे लाएंगे उसी से हम परिवार को खुश रखेंगे। मुझे धर्म पर पूरा भरोसा है, इस गरीबी में भी मैं ईमानदारी से ही जीऊंगा। जब वह बीच पहाड़ी जाता नियम से, तब वह ठोकर खाता। बचने की कोशिश तभी करता था वह रात, घटना घट कर ही रहे ये कैसा इंसान। मुझे इस पहाड़ी रास्ते पर पहले भी कई बार इसी निश्चित स्थान पर ठोकर लगती रही है। अरे भाई, सुबह सुबह यहाँ? हाँ, पासी के गांव जा रहा हूँ। अरे आ, आ, अरे क्या हुआ? ये पत्थर बीच में कौन रख देता है? अभी मैं औंधे पर गिर जाता। अब तो पक्का इस पत्थर को कल उखाड़ कर फेंक ही दूंगा, ताकि रोज रोज की झंझट ही मिट जाए। दूर दूर तक
अब क्यों देर लगाई। बेचैन सा लग रहा है। आज एक चट्टान को खोदते खोदते थक गया हूँ। हाथ मुंह धोकर पहले भोजन कर लीजिए। नहीं, आज मुझे भूख नहीं लगी, बहुत थकान लग रही है। अच्छा तो आप विश्राम कर लीजिए, थोड़ी सी नींद ले लेंगे तो सारी थकान निकल जाएगी। कल मुझे जल्दी उठा देना, उस चट्टान को हटाना है। सूझ बूझ को खो कर लेटा सभ्य शिष्ट व्यापारी, तभी रात को नींद सहायक हुई उसे सुखकारी। यह मूर्खता क्यों कर रहा है? जिसे तूने चट्टान समझ रखा है वह चट्टान नहीं है, वह बहुत बड़ा छत्र है जिसके नीचे भगवान आदिनाथ की विराट पद्मासन प्रतिमा है। नसीब जाओ तीर के करीब कम फिर लो
सुबह हो गई। अभी मैं कितना सुखद सपना देख रहा था। हे परमात्मा, काश ये सपना सच हो जाए। मैं ये रात्रि वाला स्वप्न अपने गांव वालों को सुनाऊंगा। दूसरे दिन प्रातः काल अपने सब कामों से निवृत्त हो एक छोटी सी कुदाली को कंधे पर लटकाकर बैलगाड़ी लेकर जाने को तैयार हो गया। सुनो जी, इतनी सुबह सुबह आप कुदाली लेकर कहाँ के लिए तैयार हो गए? सब कुछ आने पर बताऊंगा, अभी तो शीघ्र जाना है। चट्टान अंदर दिखाई दे रही है। भला चट्टान पर कुदाली कैसे चल सकती है? अरे भाई, चट्टान को हटाने की कोशिश करो। हे भगवान, ये चट्टान तो टस से मस नहीं हो रही है। लगा भैया, तू भी हाथ लगा जरा। अरे ये हमसे नहीं हटेगी। लगता है हमें हताश ही वापस लौटना पड़ेगा। जैसे ही व्यापारी लौटने को हुआ, तुरंत उसने एक देवी को देखा। वो उसके पास आई और बोली, अरे मूर्ख, ये मूर्खता क्यों कर रहा है? जिसे तूने चट्टान समझ रखा है, वो एक बहुत बड़ा छत्र है। यदि तेरी इच्छा निकालने की है, तो शाम को एक बैलगाड़ी लेकर आना। कुबेरेंद्र अब मध्य लोक के आर्य क्षेत्र में कुछ अघटित घटित होगा, इसीलिए मेरी इच्छा अनुसार विस्मयकारी अपनी कला से देव देवियों में उत्साह निर्मित करो। यह कार्य अविलंब करो, क्योंकि हमें दिव्य रूप के दर्शन होने वाले हैं। जैसी देवराज की आज्ञा। स्वामी, मैं उस उद्घाटित घटना का रहस्य जानना चाहती हूँ। रहस्य? रहस्य तो प्रकृति में हमेशा से रहा है सची, समय आने पर उद्घाटित भी होगा। अभी तो देव देवियां मध्य लोक में प्रस्थान करेंगे। स्वामी, आप आज अचानक ही क्यों मध्य लोक में प्रस्थान की बात कर रहे हैं? इसका राज हमें भी तो बताएं। देवी, इतनी आतुर मत हो, समय आने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्वामी, आपकी प्रसन्नता देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। आज सभी देव देवियों सहित उत्सव मनाने मध्य लोक में प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा देवराज। जय हो, जय हो, जय हो, आदिनाथ भगवान की जय हो। सांझ का समय है। व्यापारी गाड़ी लेकर पर्वत पर पहुंच गया। सांझ समय वह गाड़ी लेकर पर्वत ऊपर पहुंचा। देव बजाए बाजे मंगल जयकारी, सर गूंजा सुर वीणा
भगवान क्या है तेरी माया, शायद देव अपना कार्य करने लगे हैं। हो बाजों की ध्वनि और मंगल गान सुनाई पड़ने लगे हैं। जयकार के शब्दों से आकाश गूंज उठा है। हे भगवान, ये दृश्य मुझे अपनी आंखों से देखना है। तुम्हें यह सब देखने की आज्ञा नहीं है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को मैंने गाड़ी में विराजमान कर दिया है। गाड़ी को आगे बढ़ाओ, लेकिन मुड़कर नहीं देखना। गाड़ी चल तो रही है, पर इतनी हल्की क्यों? हे प्रभु, ये क्या आपकी लीला है? मेरा मन देखने को पागल सा हो रहा है। व्यापारी जी, पीछे नहीं। कुंडलपुर के बने बाबा की। प्रभु, क्या अजीब है तेरी लीला। जो ही विचार हुआ, त्यों ही सिर अपने आप पीछे की ओर घूम गया। अरे, ये गाड़ी तो आगे ही नहीं बढ़ रही। मेरा सिर घूमते ही गाड़ी क्यों रुक गई? क्या मूर्ति यहीं प्रतिष्ठित हो जाएगी? सुर संचालित यह गाड़ी में क्यों नहीं देख सकूंगा? आंखों के आगे अवसर को कैसे मैं खो दूंगा? गाड़ी का साथी बन करके सोच रहा व्यापारी, दृष्टि पर प्रतिमा हमेशा के लिए वहीं ठहर गई। रोचक है इस प्रतिमा की खोज की कथा। 17वीं शती के अंतिम वर्षों की बात है। दिगंबर जैन परंपरा के महारक श्री सुरेंद्र कीर्ति अनेक दिनों से अपने शिष्यों व संघ सहित विहार कर रहे थे। वे निराहारी थे, भोजन के लिए नहीं, देव दर्शन के लिए। कहीं मंदिर मिल जाए जहां तीर्थंकर प्रतिमा प्रतिष्ठित हो तो मन की क्षुधा मिटे और इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक ईंधन ग्रहण करें। बुनियादीनाथ भगवान की। Thank you.
से तू ठीक गड़ी पृथ्वी क्या जा समाचार फैला दो सब में कानों का नहीं जीना श्रावक जन सब चिंतित होते सुने घर अरुआंगन चौके बिना अतिथि सत्कार के दुख की उठी लो कैसे प्रभु दर्शन मिले आकुल था अचानक हर्षित नर नारी अचानक हर्षित नर नारी देव शक्ति से पूज खबर चल करके पारा कई कोस करते हैं पारा जंगली राह बड़ी दुर्पारा खड़े बड़े झाड़ जंकारा तिलक छत्रसाल मिलन औरंगजेब क्रूर करम गुरु आवाहन अरुपड़ गहन नई वेदी पर प्रभु चासन तभी निकट दल हटी दिखाई लंबी डग भर चाल बढ़ाई सूर्यास्त से पूर्व की बेला पहुंचा संग सहित महामेला जी ऐसा
दैवयोग से इसी समय औरंगजेब के सताए बुंदेलखंड के गौरव वीर शिरोमणि शूरवीर तथा राजा चंपत राय व रानी सारंधा के पुत्र महाराज छत्रसाल अपनी राजधानी पन्ना छोड़कर इधर उधर अन्य राजाओं से सहायता प्राप्त करने हेतु भटक रहे थे। मैं जंगल में घूमते घूमते आज इस कुंडलपुर क्षेत्र पर आया हूं। राजन, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। परेशान तो था, पर इस क्षेत्र की भूमि का स्पर्श करते ही लगता है जैसे सारी परेशानियां गायब हो गई हैं। सच? राजन, आप ठीक कह रहे हैं। यही तो यहां के बड़े बाबा का चमत्कार है। बड़े बाबा? वो क्या होता है? महाराज, बड़े बाबा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, शब्दातीत है वो। महाशय, आपने जिस शब्दातीत के बारे में कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? अवश्य, चलिए आप मेरे साथ। यहां के वातावरण ने मेरा मन मोह लिया। महाराज, अद्भुत मूर्ति है ये जिसके आपने दर्शन किए। कितनी सौम्य शांत मुद्रा है, लगता है जैसे कुछ बोलने को तत्पर हो। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प आचार्य देव सुरेंद्र कीर्ति ने लिया है, इस हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है। महाराज, मैं स्वयं इस समय याचक बनकर घूम रहा हूं। कुछ आश्वासन? परिस्थिति के हाथों विवश केवल इतना ही वचन दे रहा हूं कि यदि मैं पुनः अपना राज्य पा पाऊंगा तो राजकोष से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगा। महाराज, आप विशाल और उदार हृदय हैं, आपने मेरी बात को नकारा नहीं। चमत्कार हुआ या अतिशय था? राजा छत्रसाल का पुण्योदय अथवा उनका सैन्य बल काम में आया या प्रभु कृपा हुई, कौन जाने। बहुत शीघ्र ही पन्ना के सिंहासन पर वे पुनः प्रतिष्ठित हो गए। मुझे अपना वचन याद है। महाराज, निश्चित ही बड़े बाबा के दरबार में आपकी प्रार्थना स्वीकृत हुई है। मैं बड़े बाबा की शरण में गया था तो मुझे राज्य मिला और श्रद्धालुओं को बड़े बाबा। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो बड़े बाबा के मंदिर का कार्य शीघ्र ही संपन्न कराऊं। मेरी आज्ञा है कि शीघ्रातिशीघ्र कार्य कराओ। छत्र शासक पन्ना का छत्रसाल बुंदेला, छत्र जा पाने को तब वह आया था जिस बेला। प्राणों की लाली बढ़ गई जब जान बचा कर आया। शरण सहाये बड़े बाबा ने चमत्कार दिखलाया, चमत्कार दिखलाया।
क्षेत्र की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। यह सिद्ध क्षेत्र के साथ साथ अतिशय क्षेत्र भी है। मूर्ति भंजक अत्याचारी औरंगजेब इस मूर्ति को तोड़ने आया। रक्तश्रावी आंखें तरेर कर बोला, छी कायरों, एक पत्थर भी ना तोड़ सके, क्यों फिर भी सामने सिर लटकाए हुए खड़े हो? कसूर माफ हो जहां पना, उस पत्थर में तो चमत्कार दिखाई देता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अन्नदाता, क्या मजाल की कोई हाथ भी लगा सके? और जो ही, बस बंद करो वत जवानों, बेहया मुक्त खोरो, काफिर से बदतर। नहीं हुजूर, आपके हुक्म की पाबंदी में जरा भी कोई कसर नहीं की गई। हमने अपना फर्ज अदा करने में कुछ भी कमी ना की। जो ही हम में से एक हथौड़ा और छेनी लेकर उस मूर्ति की ओर बढ़ा तो मानो सभी के कलेजों पर पत्थर सा पड़ा। फिर भी रह बड़ा और उस मूर्ति के अंगूठे पर छेनी रख जो ही हथौड़ा चलाया कि छोटा सा टुकड़ा दूर जा गिरा और कुछ ही देर में ना जाने उस जगह से दूध की एक बेरोक धार वह कहां से बह निकली जो अभी भी। बंद करो अपनी बकवास, ऐसी बातों में मैं इत्मीनान नहीं ला सकता। मगर जहां पना, मगर क्या, चलो मैं खुद उस पत्थर को चकना चूर कर दूंगा, बड़ा दूध निकलने लगा है। वह बादशाह एक अथास्त कर अकड़ता हुआ आध्यात्म दायिनी प्रतिमा का विनाश करने उस पहाड़ पर चढ़ने लगा जहां वो मूर्ति विराजमान थी। सैनिक अनिच्छा पूर्वक पीछे हो लिए। मेरे पैर पीछे हट रहे हैं, मुझे अजीब दुविधा है। जहाँ पना, दूध की धार अविचिन्न प्रवाहित है। यही देखकर ही तो मैं अवाक रह गया हूँ। सच, यह प्रस्तर पद्मासन प्रतिमा शांति और स्नेह, समता और ममता की निराबाद प्रस्टि कर रही है। फोड़ डालो इसे, इंसान से बढ़कर ये पत्थर है क्या? मलिक, हमसे यह कार्य न हो सकेगा। अरे कुरान के नाम पर तबाह कर दो इसे, मिला दो धूल में इसे, मेरी हवस तभी पूरी होगी। ठिठकते से कांपते हुए भय को हृदयस्थ किए हुए सभी सैनिक बढ़ ही रहे थे कि न जाने कहां से असंख्य मधुमक्खियां भिन भिनाते आई और त्राही त्राही मच गई। सैनिक अस्त व्यस्त हो गए। भागो, भागो, अपनी अपनी जान बचाओ ऐसे। डंकों की वेदना अब सहन नहीं हो रही। अरे ये मक्खियां कमी नहीं हो रही। माफ करो जहां पनाहों के भी जहां पनाह, अब पीरों के पीर, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए।
ऋषि मुनि जन कई कुंडलपुर में आते अपने शुभ आशीषों की वे सौगातें दे जाते तीर्थ में भी क्या आचार्य ज्ञान सागराय नमः ओम ह्रीं आचार्य श्री विद्या सागराय नमः केवल ज्ञान प्रकाश से जैन तीर्थों की सुदीर्घ श्रृंखला में श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का अपना एक गौरवमय स्थान है। यहाँ की मूल नायक प्रतिमा बड़े बाबा के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है, जहाँ संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर गुरुवर जी की विशेष कृपा है, इसलिए श्रावक गण उन्हें छोटे बाबा के नाम से पुकारते हैं। भारत की आस्था की अमूल्य धरोहर कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा है, पर जिस स्थान पर प्रभु विराजित है वह स्थान अत्यंत संकीर्ण है। भक्तगण नैनामी राम जिस प्रतिमा से नजर हटाना नहीं चाहते, उस प्रतिमा को वो नजर भर देख भी नहीं पाते। दर्शन करो और आगे बढ़ो की नीति से हमारा हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया है, पर हम अपनी इस प्रथा को किसके समक्ष व्यक्त करें? अरे सुनो तो सही, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के मन में ये बात बराबर चल रही है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बड़े बाबा को बड़े मंदिर में विराजमान करने का कार्य भी शुरू कर दिया है, पर भला देखो तो सही
सुना है मंदिर के बनने में बड़े व्यवधान आ रहे हैं। तो क्या उस व्यवधान को दूर करने के लिए ही तो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है कि वे अपनी योग साधना से यह कार्य सिद्ध करेंगे। बड़े बाबा के चरणों में यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। मैंने सुना है कि किसी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव पुलिस फोर्स बेहिसाब मात्रा में आ सकती है और कुछ भी कर सकती है। तब आचार्य श्री क्या बोले? आचार्य श्री मुस्कुराते हुए बोले, हमारी सेना भी कम नहीं है। सुना है आप लोगों ने, ये लोग क्या चर्चा कर रहे थे? अब तो आचार्य श्री अति शीघ्र ही बड़े बाबा को उच्चासन पर विराजित करने वाले हैं। कई बार लोगों ने देखा कि जैसे छोटे बाबा और बड़े बाबा के बीच संवाद चलता हो। लगता है गुरुदेव को जैसे दैवीय संकेत भी मिलते हैं। क्या कमाल है कि 2006 में 16 जनवरी को छोटे बाबा ने बड़े बाबा से कहा होगा, नए स्थान पर चलना है, कब चलेंगे? तो बड़े बाबा ने कहा होगा, जब तुम कहो। फिर छोटे बाबा आशा से भर गए होंगे कि ठीक है, कल बताएंगे। हाँ, और 17 जनवरी को फिर गए छोटे बाबा और कहा, प्रभु आज चले चलेंगे। सो बड़े बाबा बोले होंगे, जैसी तुम कहो। छोटे बाबा बोले, ठीक है, आज चलना है, तैयार रहियो, और जब हम उठे हैं तो तनक हल्के हो जाइए, जिसे भी तुम्हें उठा लेंगे। बड़े बाबा बोले, हो हम तैयार रहे, और जब तुम के हो सब चल ले है, तुम जैसी के हो हम उसे ही कर है। सो छोटे बाबा बोले, रैपिड एक्शन फोर्स सोई आ सकत है, उनको संभाल लियो। बड़े बाबा बोले, हो। बड़े बाबा ने जब गगन विहार किया तो छोटे बाबा गदगद कंठ से भर कर उन्हें उच्चासन देने की प्रतीक्षा करने लगे। We'll be right back.
अरी बहन, क्या तुमने ये बात सुनी? कौन सी बात? किसी ने आचार्य श्री से कहा जबलपुर में रैपिड एक्सपोर्ट आ रही है, अब क्या होगा? हाँ, तब भला आचार्य श्री ने क्या कहा? मेरा तो रोम रोम सिहर उठा उनका उत्तर सुनकर। अच्छा, आचार्य श्री ने जोश में भरकर कहा, क्या होगा, जो होगा सो देखा जाएगा, गोली ही तो चलेगी, ये नश्वर शरीर किस दिन के लिए है, कब काम आएगा, बड़े बाबा के काज में लग जाए तो इससे बेहतर उपयोग इसका क्या हो सकता है। हे भगवान, बड़े बाबा की खातिर आवश्यकता पड़ने पर नश्वर देह को न्योछावर करने का संकल्प कर लिया। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, उनके तपोबल के सामने किस बल की मजाल है जो ठहर जाए। फिर थाट से विराजित हुए बड़े बाबा उच्चासन पर, और उसके ही कुछ दिन बाद वर्धमान सागर से भी ज्यादा आनंद लहरें हिलोर ले उठी। हाँ, सुना तो मैंने भी था कि 58 घर के आंगन की पली पूसी चिड़ियाओं ने बाबुल का घर छोड़ने का संकल्प किया। 16 श्रृंगार करी सजे दजे हार मुकुट मालाओं से युक्त देव कन्या से लग रही थी, उन्हें देखकर सहस्त्रों नेत्र धन्य हो गए।